बड़ा बदतमीज आदमी है। वो देख यार, जिसके बारे में बात करते वो आ गई। हाँ भाई सही कह रहा था, तुम माल तो बढ़िया है। बदतमीज, तुम्हें तमीज नहीं है? ये थोड़ी तमीज तुम्हें सिखा दो, थोड़ा सा मैं पढ़ा दो। छोड़ो मुझे। अबे ओए, हमारे गांव में बदमाशी। रास्ता ये तो कोई नोचा कर रहे हैं। इनका नोचा ठीक कर देते। चलो फिर चल अपना रास्ता मैप। इन गाँव में कोई चिड़िया और हमारी नजर न पड़े, ऐसा हो सकता है? इस गाँव में हमसे बड़ा कोई बादशाह हो गया जो हमारे रहते हुए इस तरीके से गाँव की महिलाओं के लड़के को छेड़ेगा। क्यों तेरी कहीं पहन लगा है? रास्ता खड़ा बोल जाए तो इज्जत का फलूदा हो जाएगा। ध्यान लग प्यू प्यूरी पकड़। अरे साहब बदतमीजी की करेगा। हम दोनों को देख लो। मैं जा देख लिए, बादशाह नाम है मेरा। और जब तेरा जी करे जब देख लिए उस्ताद से पंगा लेगा। जा छोड़ दिया तू। मैडम क्या बात है, आप तो गाँव में नहीं लग रही मुझे। जी जी हाँ, मैं शहर से आई हूँ। सरकार ने मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर भेजा है। वैसे आप कौन? मैं, तेरा नाम बादशाह है, मैं इसी गांव का रहने वाला। हमारे गांव के बादशाह है ये। लड़कों को मार के बहुत अच्छा किया। अरे हम गांव तो छोटे मोटे काम निपटाते हैं। खैर तुम्हारा नाम क्या, नाम तो बता दो। मेरा नाम सपना है। सपना? तो आज रो जाओगी अब तो सपने में भी। नहीं, नाम आपका बहुत प्यारा है। आपने उन लड़कों से बचाया, इसके लिए शुक्रिया। नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं सपना जी, अगर आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ हो तो ये गांव हमारा ही है, हमें याद कर लें। सपना नाम है, याद कर ली हो? ठीक ठीक है। उस्ताद लव स्टोरी चालू। तबीयत तो ठीक है? ठीक है यार, तबीयत तो। यार वो सपना नहीं मिली। मैं तो समझ गया। यार जब से मन नहीं लग रहा है। बात करो जी, कुछ भी कहो, है बड़े जोर की चीज, कसम से ऐसे समझो। दिवाली पर गायन जा रहे ना, वापसी में उतरते अलग ही दिल पे। पर दिन चीर दिया, चीर दिया था पेपर। कौन पढ़ा रही है बच्चे, पता है स्कूल में कौन? मेरी बात मानो, बात चला दो। चल गया, चले स्कूल में आई गई है टीचर पढ़ान। चल देखते हैं कौन से स्कूल में आई है। आओ चेयर बैठ। यार एक बात तो बता, वो मास्टर भी आई तो गांव में ही है, और वो कौन से स्कूल में आई, किससे पता करेंगे हम? ताऊ से पूछते। कौन सा ताऊ? की ताऊ, ताऊ राम राम। ताऊ राम राम। ताऊ इस बात पूछ रही है, मारा बादशाह भैया दीवाना होगा दीवाना। कोई चिड़िया ही गई है घोंसले में, पर घोंसला नहीं मिल रहा। वो जो मास्टर आई है पढ़ाने, कहाँ पे इसका स्कूल पता कुछ? उस्ताद बोले फेरेंगे कोई। चलो अच्छा बच्चों, अब सब बारी बारी से दो का पहाड़ा सुनाएंगे। मतलब सबसे पहले तुम सुनाओ, खड़े हो जाओ। पैर यार मेरे ऐसे सीख रहे हैं छपरी, मैं एडमिशन ले लू स्कूल में। गुरु फिर तो पढ़ नहीं वाला। यार मेरा जी नहीं लगता इस टी है, जी तो लग जाएगा
क्यों ना बात करते, क्यों ना तारा दागा दवाई दो इस मार, बात कर लेते हैं। अब सभी बच्चे अपना काम घर से करके लेके आएंगे, ठीक है? हाँ कर रही है मैडम, जब से गम आई है हमारे उस्ताद का नाश कर रखा है बिल्कुल, ना खाने में ना पीने में बुखार हो चढ़ रहा है। दवा दे अपना ले भैया, कर बात। बड़े नहीं पढ़ सकते, ये छोटे बच्चों का स्कूल है। जो खोल दो, पर हमारे उस्ताद जो पढ़ा दो तुम, अब तो पढ़ेंगे यही। ये नहीं हो सकता, सरकार ने छोटे बच्चों के लिए स्कूल, कितनी उम्र में पढ़ेंगे? तो उस्ताद जी बात है, पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी होती है मैडम, जब मन करे जब पढ़ लेते हैं। पढ़ा दो भी उस्ताद, उस्ताद साहब को की पढ़ाई, पढ़ो भैया बैठ कर पढ़ो, पढ़ लो। देख इस लड़की की वजह से मेरी पूरे गांव में बेइज्जती हुई थी, इस लड़की को छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, ठीक है? सपना, सपना मुझे तो पता भी नहीं था कि इस गांव में इतना मन लग जाएगा मेरा। जब से तुम इस गांव में आई हो ना सपना, जब से मेरा तुम्हें देखे बगैर दिन नहीं निकलता, तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता सपना। मैं भी तुम्हारे बिना मर जाऊंगी बादशाह। सबरी बोली बात सुन, वो मैडम है ना सपना, उसका ध्यान रखियो। क्यों उस्ताद? यार क्यों का मतलब ये है कि मैं जा रहा हूँ शहर दो चार दिन के लिए, ठीक है? और ये जिम्मेदारी मैं तेरे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। सपना मैडम को कोई दिक्कत ना हो इस गांव में। ओ तो बात यहाँ पर पहुँच ली, ठीक है उस्ताद, तुम्हारा हुक्म सरा खोपे। ठीक है फिर, तो ध्यान रखिए इस टाइम। ठीक है उस्ताद। सभी बच्चे ताली बजाएंगे आराध्या के लिए। चलो बच्चों अब तुम्हारी छुट्टी होती है, कल आना, ठीक है? चलो उठ जाओ और सभी अपने अपने घर जाओ, बिल्कुल सीधे रास्ते, ठीक है? क्यों मैडम जी, हमें नहीं पढ़ाओगे क्या? पर आज हम तुम्हें पढ़ा देंगे। कौन है? चलो भाई व्यवस्था ही होगी, ध्यान आते हैं। हाँ भाई क्या करना है इसका? मुझे लग रहा है उस्ताद जी ना वो सारा दिखा है बात, इससे पहले से हो जाए इससे पहले से काम तमाम कर देते हैं। क्यों? उस बात से भी पता नहीं चलेगा कि इसकी लला कहाँ चली गई। भैया ठीक कह रहे हो उस्ताद। एक काम करो निकल लो अब।
बादशाह भाई क्या हुआ छपरी, तू इतना परेशान क्यों है? बादशाह भाई मैं दो दिन से परेशान हूँ, सपना मैडम को कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या, मैं तुझे किस काम के लिए छोड़ के गया था? चला बैठ। वो सपना मैडम देखी क्या आपने? दो दिन से तो मैंने भी देखी भाई। ये सपना मैडम देखी तुमने? नहीं जी, हमने दो दिन। यार तुमने सपना मैडम कहाँ खो दी? मैंने तुझे समझा दिया था ना, मैं तुझे सपना को देखा आपने? छपरी यार सपना कहाँ चली गई? उस्ताद दिल छोटा ना करो, यही कहीं होगी गांव में। यार दो दिन हो गए मैं ढूंढते ढूंढते छपरी, मैडम को कहीं पता नहीं लग रहा। उस्ताद ही मिलेगी, चिंता ना करो। सपना उस्ताद, अरे उस्ताद दिल छोटा मत ना, मिलेगी सपना। छपरी उस सपना मैडम के बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ छपरी, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई यार। बस भाई सवालो अपने आप को। सपना कहाँ चली गई तू मुझे छोड़ के? सपना 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 तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? सपना आखिर कौन ऐसा है जो मुझे तेरे बारे में बताएगा? हे मेरे मालिक, मुझे कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर दे जिससे मैं सपना के पास पहुंच सकूं, ये सपना की कोई खबर मुझे मिल सके। मुझे दिन और रात सिर्फ सपना ही सपना याद आती है, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। अरे सपना मैडम, विशाखा को छेड़ता है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? सपना मैडम कौन सपना? मेरा नाम तो विशाखा है। विशाखा सपना मैडम, तुम्हारे चक्कर में हमारे उस्ताद बादशाह का बुरा हाल हो चुका है, तुम कहाँ थी? कौन बादशाह है? मैं तो किसी बादशाह को नहीं जानती। अबे यार ये किस बादशाह की बात कर रहा है और ये सपना कौन है? अरे वही बादशाह सपना मैडम जिसने आपकी जान बचाई थी। मैं किसी बादशाह को नहीं जानती, दफा हो जाए यहाँ से, और मेरा नाम कोई सपना अपना नहीं है, जाओ। सपना मैडम बादशाह भाई सपना कहाँ चले गई तू मुझे छोड़ के? सपना बादशाह भाई
बस भाई वो सपना मैडम का मैंने बचा के तब जाते हुए देखा। क्या? हाँ सच, बिल्कुल सच। सच कह रहे जबरीज को रखते हमारी दोस्त की कसम, अभी अभी देखा मैंने उसको। चल फिर चलते हैं। भाई कहाँ है तेरी मैडम? कहाँ है सपना मैडम? पास्ता भाई मैं तो नहीं देखूंगा उसको। छपरी तूने फिर एक बार अपने उस्ताद के साथ फिर एक जितना गंदा मजाक खेल दिया। नहीं पास्ता भाई मैंने उसको ये देखा था। सपने मैडम तुम फिर दिमाग खाने आ गए मेरा। एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूंगा तुम्हारी, जाओ मेरा टाइम बर्बाद मत करो। मेरी बात सुनो सपना मैडम, किसी की जिंदगी बच जाएगी। बताओ क्या बात है? वो बादशाह अगर ये मोहब्बत की बात है तो इसमें मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सपना मैम, आओ मेरे साथ। और मैडम बस भाई देखो फोन आया है। छपरी तूने फिर एक बार मेरे साथ गंदा मजाक किया। हर किसी की सूरत और सीरत मिलने से वो तेरी सपना मैडम नहीं हो जाए। तुमने ठीक कहा, मैं सपना नहीं विशाखा हूँ। पर ये क्या, एक खुखार शेर की आंखों में आंसू? आंसू? शायद मैडम आपने आज से पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया। सच्चे प्यार की क्या अहमियत होती है, वो जानता है जो प्यार करता है। आंसू क्या, ये जिंदगी तबाह हो जाती है जब कोई सच्चा प्यार करता है और वो उससे जुदा हो जाए। उस्ताद मुझे माफ कर दो, मैं तो बस तुम्हारी खुशी में खुशी चाहता था। मुझे माफ कर दो उस्ताद जी। प्यार? ये किस चिड़िया का नाम है? ना बाबा, ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए जिसमें रोना पड़े। विशाखा मैडम तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, सच्ची मोहब्बत क्या होती है। विशाखा का घर कौन सा? विशाखा दीदी। कौन? अरे तुम ही आप? विशाखा जी है क्या आपकी आंखों में आंसू? मैं समझ गया, ये आंसू वासा भाई के लिए है ना। तुम चिंता ना करो विशाखा मैम, एक दिन बादशाह तुम्हारे प्यार को जरूर समझेंगे। पर उनके दिल से सपना का प्यार कभी नहीं जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। बादशाह भाई की सपना का तो पता नहीं क्या होगा। अगर तुम सपना की तरह चाहो तो उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जाग जाएगा। पता नहीं छपरी मैं बादशाह की सपना बन पाऊंगी या नहीं, पर मैं बादशाह को दिल से चाहने लगी हूँ। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। तुम चिंता ना करो विशाखा मैम, सच्चे प्यार करने वालों का साथ भगवान जरूर देता है। विशाखा तू बादशाह दूर हटो मुझसे, तुम मेरी सपना नहीं
तुम विशाखा हो और तुम मेरी सपना कभी हो भी नहीं सकती। क्यों? मैं औरत नहीं? क्या मेरा प्यार प्यार नहीं? बादशाह, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बादशाह, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती बादशाह, और मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता बादशाह। मेरे प्यार को मत ठुकराओ बादशाह, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी बादशाह। मैं सपना के प्यार को धोखा नहीं दे सकता। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मैं हैप्पी आप क्या जानूं? प्यार को तो मैं जब जान पाऊंगी ना, जब तुम मुझे प्यार समझने का मौका दोगे। अभी क्या बढ़िया बढ़िया है भैया। मैं देख ये वो जा रहा जिसकी हमने हंसी छीन ली। वो कैसे? वो ऐसे सिलेला को हमने तो मारा था। मारा था सिलेला को? कैसे? बस बस मत पूछे कैसे। पूछे कैसे? खेत में कितने मारा? खेत में घेर कर। वो क्यों? बस बस मेरे पूरे गांव में बेइज्जती करवाई थी। बल्ले बल्ले, तो तूने सपना मैडम को मारा था? बस सवाई छपरी सवाई। क्या हुआ मेरे भाई छपरी? आज सवाई मुझे पता चल गया सपना मैम को किसने मारा। किसने मारा तेरे? वो बंदी। बंदी अरे उसके काम तमाम कर दिया भाई। अब एक बात सा और रह रहा, उसका भी काम तमाम करना। हाँ जी कुत्तो, तुमने मेरे उस जिगरी यार और उस मेरी जाने मन को मार दिया नहीं, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बादशाह मुझे छोड़ दो, आज मैं तुझे कुत्ते छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी सपना को मुझसे जुदा कर दिया और मेरे उस जिगरी यार को तूने मुझसे जुदा कर दिया छपरी को। जो आज मैंने अपने सपना का और अपने उस जिगरी यार का बदला ले लिया तुझसे कुत्ते।
बादशाह।